सिर्फ 15 साल की थी जब मेरी शादी हुई। 10 साल की थी तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। पापा बिखर गए एकदम, क्योंकि 4 बच्चे। चालू हो गया लोगों का, भाई बड़ी लड़कियाँ बड़ी हो गई हैं, शादी कर दो। मैं सोचा था अच्छी लाइफ हो जाएगी, सब अपना होगा, खुद ही खाना बनाओ, खुद ही खाओ। मैं सोचा यहाँ पर भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं तो अपने ससुराल में स्ट्रगल कर लेंगे। उन्हें एक लड़का ढूंढा, जो एक लास्ट बेटा था, तो उन्होंने एक लड़का है उनके साथ, उनके पास घर बार है, शादी वादी कर दो, मस्त खाते पीते घर के लोग हैं। एक झटके में, मतलब कि 2 दिन में मेरी शादी कर दी। फर्स्ट डे शादी का, तो मुझे सेक्स वेक्स के बारे में कुछ पता नहीं था और मुझे डर ही लगता था, जो सच है। मुझे पता नहीं है कि क्या है ये सब। उनको ऐसा लग रहा था नहीं, अगर बिन माँ के तो उसको तो सब नॉलेज पहले से ही होगा। हर रात को नाटक चालू हो गया। 2 बजे तक ना प्लेट लेके बैठा रहता था खा के, मतलब दारू पी के। प्लेट उठा के फेंकने लग गया खाने की दीवार पे। फिर साफ करो यार। मैं बोलती थी अरे कोई थोड़ा ना नौकर बैठा है तुम्हारा ये इससे साफ करेगा। बोलते और तुझे क्या, अकेले लाया हूँ मैं। मैं सुबह सुबह उठी तो आंखें मल के आ रही हूँ ब्रश करने, तो ना फैमिली आके बैठी है, मतलब आपस में बातें कर रहे मेरे सामने बैठ के। ये लोग सीख के आए हैं, ये ना फ्लैट हड़प लेगी देख लेना अभी। उनकी मम्मी ने बोला हाँ तू तो छक्का है, तू तो मेरा नाम खराब कर रहा है, एक लड़की को हैंडल नहीं कर सकता, जा और कपड़े फाड़ और रेप कर, देखती हूँ इसका बाप इसकी बुआ क्या कर लेगी। थोड़ी देर बाद ना झीना झपटी करना का चालू कर दिया रूम में। मैं बहुत घबरा गई थी एक्चुअली, मतलब शाम के 7 बजे ही मुझे ऐसा लगता था ये रात कब गुजर जाए। दारू का पैग मार रहा है, फिर इधर से झपड़, बाल पकड़ के ना कम से कम कितनी कितनी देर मेरे बाल नहीं छोड़ता था। आजू बाजू में सब सुन रहे हैं बट बीच में कोई नहीं आ रहा है। रोज रात का यही था कि कोई ना कोई कपड़े वो मेरे फाड़ देता था, फिर जब मैं कुछ नहीं बोलती थी तो जबरदस्ती मेरा हाथ भीत पे काट लेता था कि ना उसने मेरे कपड़े वपड़े फाड़ के बाहर फेंकने की कोशिश की खींच खींच के। मैं नहीं निकलूंगी, कुछ भी हो जाए नहीं निकलूंगी। मेरा हाथ ऐसे ऐसा होता था कि ऐसा ऐसा अब भी कुछ उठाऊं, अब भी कुछ उठाऊं। लेकिन मैं सोचा अगर इनकेस कहीं गलत जगह लग गया, उसको नहीं लगा, साला वो तो मुझे लिटा लिटा के मार देगा। मुझे ऐसा लगा एक बच्चा हो जाएगा ना तो सेक्स का मैटर खत्म हो जाएगा। 3rd महीने में उसने कम से कम 15-20 मिनट तो मेरे पैर पे ऐसे घुटना रखा हुआ था। सिलेंडर खोल देता था, सिलेंडर का पाइप निकाल देता था, सिलेंडर उठा के मारता था। जब मेरा दूसरा बच्चा पैदा हुआ, मैं बहुत रोने लगी जब मुझे पता चला। फिर तो एक दिन इतना मारा कि उसने ना मेरा सर कम से कम 5-6 बार दीवार पे मारा होगा। मैं ना से चक्कर चक्कर होकर भागी, उधर से ऑटो लिया, पुलिस स्टेशन गई। किसने मारा? पति ने मारा। जाओ अपने घर पे, अरे जाओ अपनी बहन के घर पे, किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाओ, 10 दिन रहो, अपने सुधर जाएगा। फिर मैंने बैठे बैठे डिसाइड किया अगर कि मैं यहाँ रही तो मतलब मरना कन्फर्म है मेरा, वो भी ऐसी मौत भी नहीं बुरी मौत, भिखारी कैसे होते। उनके घर वालों ने मुझे वो समझ लिया। अब तो इसको मैं दिखाऊंगी कि औरत होती क्या। मैंने फिर खुल्लम खुल्ला बोला अब मैं तेरे साथ नहीं रहने वाली। क्या बोली क्या बोली? हाँ मैं तेरे साथ नहीं रहने वाली। मेरे जेठ ने पहली बार मुझे भगवाया क्योंकि बहुत ज्यादा मार रहा था। वो साला रात में तलवार लेके मेरे पीछे भागा। मैं दोनों बच्चे पकड़े रोड पे भाग रही हूँ और एक को गोदी में उठा के एक को हाथ में, पर उससे भागा भी नहीं जा रहा था। गई मैं बहन के घर में रात में। जीजा जी ने बोला तू मेरी बहन, मैं तुझे पाल सकता हूँ। ये शब्द सुनने के लिए इंतजार करती हूँ। कोई तो बोले। सब ठीक चल रहा था, 10 दिन हो गए, बहुत खुशी वाले दिन थे 10 दिन। मैंने वो प्यारी वाली रात कभी नहीं देखी थी। बट उसने रिक्शा जला दिया मेरे जीजाजी का, लेकिन उसकी माँ बहुत खराब थी मेरे जीजाजी की। उसने बोल दिया इसको भगा यहाँ से, तेरी बहन को। फिर मैंने एक बाबा जी से बात की, बाबा जी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो यहाँ रह सकता है? बोलते गुरुद्वारे रब दी जगह है, आ जाओ बेटा, जब भी आना है आओ, जब जाना है जाओ। मैं बिना बोले ना आ गई दोनों बच्चे लेके वहाँ पर रहने के लिए गुरुद्वारे में। मैं वहाँ पर एटलीस्ट 4-5 दिन रही। वो मुझे एक गद्दा देते थे और चादर देते थे, जैसे जहाँ पर लंगर खाते हैं ना लोग, उनने वहाँ पर ही मुझे सब दिया था। ऐसे खाना खुद ला के दे रहे, बच्चे का दूध दे रहे थोड़ा थोड़ा, और बेचारे बच्चे ऐसे घूम रहे ना कि घर नहीं छत नहीं, ऐसे बेड़े में घूम रहे हैं।
फिर खाने के बहुत ज़्यादा वांदे हो गए, बच्चे लोग बहुत परेशान करने लग गए। फिर मैंने ये सोचा था अभी तो कमाना ही पड़ेगा भाई। सीबीडी से वाशी पैदल जाते थे, 20 रुपये रखते थे हम लोग अपने पास, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसे होते नहीं थे। जब फुटपाथ पे से झोपड़ियाँ होती थी ना, मैं चलते चलते सोचती थी यार कहीं इधर ही एक छोटा सा मिल जाए, मतलब कि मैं एक छोटा सा झोपड़ा, चाहे उसका 200 भाड़ा 300 रुपये भाड़ा ऐसा महीने का हो, मैं दे दूंगी। वो तो मुझे हमेशा एक टॉन्च मारता रहता था, अरे तू करेगी भी तो क्या करेगी यहाँ से जाके साली, ज्यादा से ज्यादा क्या 2-3 मर्द बनाएगी, नहीं तो बार में नाच करेगी, सोएगी 100-100 रुपये में लोगों के साथ, के ये सब नहीं करूंगी। ये मेरी हद होगी ना, जब मरने वाली हद होगी ना तो ये ऑप्शन होएगा, बट नहीं होएगा। उन दिनों एक औरत मिली मुझे, मैंने दीदी मुझे घर का कर दो, रोटी का मैं कर लूंगी। तो उसने मुझे बोला एक आदमी है उसका घर बन रहा है, मतलब टोटल बना है, खाली लाइट पानी नहीं है उसके अंदर। मैंने हाँ बोल दिया, मैं हाँ चलेगा मुझे, मैं उधर शिफ्ट हो गई, 2-3 दिन हो गए वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे शाम को बुला के बोल रही है क्या करेगी लाइफ में, मैं सोच रही हूँ 4 घर में खाना बना लूँ, 1000-1000 रुपये मिलेंगे तो 4000 आ जाएंगे। देख मैं तुझे एक बात बोल रही हूँ कि ये जिसका घर है ना, वो भी देख बेचारा, उसकी औरत बीमार रहती है, उसको भी तो कोई चाहिए ना। देख वो तो बोलता है वो वाला घर में सामान वामान सब डाल देगा, समझना यार, तेरे 2 बच्चे, तुझसे मैं दो बच्चे के फ्यूचर देखेगी कि नहीं, ऐसा कर रही है मुझे, मैं देखूंगी ना फ्यूचर, मैं इन जैसे की रखेल बन के थोड़ी ना फ्यूचर देखने वाली हूँ। मैं आज बोला दोबारा बोलना नहीं, मैंने उसी 2 सेकंड में वो रूम खाली कर दिया, सामान अपनी बहन के घर में रख। तो चलते चलते ना मेरी बहन ने कुछ पढ़ा ऊपर के मैस है, तो जा इधर पूछ के आ जा, ऐसे ही बोला मैं, भैया काम है, क्या करूँगी मैं आप बताओ, रोटी बनानी है, आती है, मैं हाँ आती आती है, 250 रोटी सुबह 250 शाम को बनानी है, मैं पैसे कितने दोगे, बोलते 1200 रुपये महीना। मैं लग गई काम पे, सुबह 8 बजे जाती थी, 12:30 तक मुझे 250 रोटी बनानी, आटा गूंद के बनानी ही पड़ती थी, रोज़ सुबह शाम खाना लेके जाती थी, खाने पीने का तो टेंशन खत्म हुआ था। वाशी में हम शिफ्ट हो गए एक जगह, सस्ता सा रूम मिल गया, 2000 रुपये भाड़ा था कुछ, मैंने वो मैस छोड़ दिया। तो ना आजू बाजू में दोस्त मिल गए 2-3 लड़कियाँ, तो वो ना मस्त तैयार व्यार होते थे रोज, तो हमने भी पूछा तुम लोग कहाँ घूम रही हो, बोलते हम लोगों को तो मस्त काम है, मसाज करने जाते हैं पैसे मिल जाते हैं, पैसे मिलते हैं, बोलते अच्छे पैसे मिलते हैं, मैं यार मुझे भी लगा देना तेरे काम पे, ठीक है मैं अगले तुझे अपने साथ में लेके चलती। गए ऊपर ऊपर पहले एक सीढ़ी चढ़ी, फिर कहीं ना अजीब सी खुशबू, बोलते ना क्रीम व्रीम की खुशबू, दरवाज़ा खुला, एक मोटी सी औरत बैठी है, ये नवी लड़की है तो इसको काम करना है। सर आए उसके, उनको बोला सर ये लड़की है उसका भी मर्द छोड़ के चला गया उसको, तुम काम करोगी, तुमको मसाज करना आता है। हाँ आता है, किसकी करते थे, सास की करती थी मैं, ठीक है मैं लग जाऊँ, हाँ पेमेंट होगी 8000। 8000 ठीक है, बैठ गए सब गप्पे शप्पे लड़ा रही हैं लड़कियाँ, इधर उधर की बातें कर रही है, गंदी गंदी बातें कर रही हैं। फिर आ रहे ऐसे गंदे गंदे आदमी, मैंने ला आदमियों की भी मालिश करनी पड़ेगी, इसको लेके जा बात सब समझा दे। फिर उसने मुझे टाल दिया, चल चल कला कला, 8 बज गए वैसे भी, 8:30 हो गए, हो गया बातचीत, फिर सुबह आएगी, फिर मैं वापस काम पे आ गई। तो एक लड़की का कस्टमर आया, फिर वो बाहर आई ना तो ना रोने लग गई उसके पास, तो अपनी दोस्त को बता रही थी कि आज मादरचोद हलकट ने मुझे बहुत परेशान किया, कि हाथ से नहीं चाहिए अभी मुझे मुँह से चाहिए, मेरा ना ऐसे ये धुआँ है ना धुआँ ऐसे निकल रहा है, फिर मैं कहीं नरक में तो नहीं आ रही, ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में, मेरे हाथ पे छुड़ गए, मुझे बता क्या हुआ, ये जो मसाज पार्लर है ना ये ओनली फॉर नाम के मसाज पार्लर। मैंने उसको बोला तूने मुझे पहले बताना चाहिए, अभी मैं ये दरवाजे से बाहर कैसे निकलूँ, लोग तो यही बोलेंगे ना ये तो कितने साल का ही होएगा, मैं तो नवी नवी हूँ, बड़ी बड़ी बातें मत करो, ये सब ये होता ही है, मैं भी बहुत आई थी ईमानदारी में, ना ना कोई आई नहीं थी। मैंने ना आंखें नीचे की, फटाफट नीचे उतरी और भाग गई, फाइनली बहुत रोई, बच्चों को देखा, अपने आप को देखा, भोलेनाथ से अभी भी दुआ है कि कभी मुझे किसी के नीचे मत सुलाना, हाथ मत फिलवाना, बाकी जो भी मेरे दरवाजे पे आए वो खाली जाना ही नहीं चाहिए। फिर मेरे बाप के पीछे पड़ गई कि मुझे कहीं काम चाहिए ही चाहिए, मेरे पापा ना सबके घर में जगराता करते थे, तो पापा ने एक अंकल का नंबर निकाल के दिया मुझे, थोड़ा डर था कि यार इधर भी वही कंजर खाना ना होए, उनका एक खुद का भंगड़े का ग्रुप था शादियों में नाचते, तो जर्नली मैंने अंकल को कॉल किया, मैं अंकल सब ठीक है
अभी आप मुझे काम करना है तो आपके पास कुछ ऑप्शन है तो मुझे बताओ। तो उनने खाली इतना बताया कि शूटिंग का काम है तो पैसे कुछ मिल जाएंगे। वो तालियां बजा के नहीं जगराते का कोर्स होता है वही करना है, खाली कुछ नहीं करना है। ब्रेक हुआ, चाय वाय, मैंने लगा सब फ्री में मिलता है यहाँ। बोलते हाँ अंकल बाहर आए, चलो चलो मुंडा कुड़ी आ जाओ, पहले ले लो अपने अपने, आज पहली बार था, तू भी ले ले कुछ। कितना दूँ मैं? आपकी मर्जी। 400 रुपये थे ये, 400 रुपये ना मिले 4 लाख थे। फिर एक शूटिंग पे गई तो मेरी मुझे एक मेरी दोस्त मिली तो मुझे बोलती है तू ना मेरी एक फ्रेंड जैसी दिखती है, मुझे ऐसा बोलने लग गई। बोलते वो ना स्टंट्स करती है मूवीज में। हाँ मैं काम है क्या वो भी? बोलते हाँ ठीक है लद्दाख जाना है। उन्होंने मुझे फायर बॉडी शॉट पहनाया, फिर ऊपर कपड़ा पहनाया, फिर आग लगाया। पहली बार में वो हवा इतनी चल पड़ी कि ना पूरी आग मेरे नाक तलक आ गई कि मेरा मुँह जल गया। एक तो मैं रोने लग गई बहुत, तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, इंजेक्शन दिलवाया, पूरा मतलब क्रीम व्रीम लगाई। आ गई घर पे, बच्चे लोग यार ये मेरे भाई बोले दीदी ऐसा वैसा काम क्या कर रहे हो, तो भी मैंने परवाह नहीं किया, मैं नहीं नहीं काम तो ये वाला नहीं छोड़ने वाली। नॉर्मल होगी फिर मैं एकदम, फिर मेरा फिर वही रेगुलर चालू हो गया काम, बच्चे वो अच्छे स्कूल में डाला, फिर मेरी गाड़ी आराम आराम से चलने लगी कि महीने पे मैं जितना सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा ही कमा रही, कोई टेंशन नहीं। फिर ऐसे करते करते मुझे शोज मिले तो मैं हर एक काम के लिए, जैसे फर्स्ट टाइम वाला काम होता है ना, मैं इतनी एक्साइटेड माई मदर मीन ए वर्ल्ड टू मी बिकॉज मेरे सब फ्रेंड्स हैं जिनके मम्मी भी हैं और पापा भी हैं, तो मुझे मतलब ऐसी कभी फीलिंग नहीं आई कि मेरे डैड नहीं है तो मुझे सैड फीलिंग हो रहा है या मुझे रोना आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मम्मी ने हम लोगों को इतना अच्छे से दोनों की बात ये दी है कि मम्मी भी है और पापा भी है, दोनों एक ही जन है। जैसे कि अभी खतरों के खिलाड़ी में भी आई थी तो सब दोस्त लोग पूछ रहे थे तेरी मम्मी थी क्या, बहुत अच्छा लगा। मतलब टीचर वीचर सब बोलते रहते हैं कि मम्मी तुम्हारी कितनी अच्छी है, स्ट्रांग है, ब्यूटीफुल है, तो बहुत अच्छा लगता है। और कितना मतलब हम लोग के लिए हार्डवर्क कर रही है वो देख के भी बहुत खुशी होती है। जितना ये लोग ने मेरा साथ दिया ना, शायद एक छोटे बच्चे का माँ बाप कैसे साथ देते हैं, मेरे हिसाब से ये दोनों मेरे बड़े हैं, ऐसा मुझे फीलिंग्स है पहले से। कभी भी इनकी जो बचपने की फीलिंग्स है ना वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी बड़ी ही हसीन है और बड़ी खूबसूरत है और छोटी भी है, बट इसमें बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, पहाड़ आएंगे, खड्डे आएंगे, उसको पार करते 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 जियो और मरने की सोचना भी मत। पापे एक टू गुड़िया, वेरी गुड पापे। मैंने मम्मी को बोला कि मैं मुझे मालूम है कि मैं गे हूँ और अगर तुम चाहती हो कि मैं लड़की के साथ शादी करूँ तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट सजेस्ट दैट ओनली इफ़ यू हैड अ डॉटर एंड यू विल गेट योर डॉटर मैरिड ऑफ टू अ गे मैन।